फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल में। आज हम ये फ्लावर बना रहे थे तो हमने सोचा आपके साथ शेयर करें। अभी तो शादियों का सीज़न है, नवंबर तो पूरा शादियों का सीज़न होता है, तो हल्दी फंक्शन में आप अपने घर को खुद से ही फ्लावर बना के डेकोरेट कर सकते हैं। ये पेपर फ्लावर से मार्केट में आप जाइएगा ख़रीदने तो इतने महंगे मिलते हैं और इतने आपके हिसाब से अकॉर्डिंग नहीं रहते साइज़ वगैरह। आप अपने अकॉर्डिंग इसको साइज़ बना सकते हैं, छोटा बड़ा फ्लावर, और इससे पूरा घर सजा सकते हैं। हल्दी के फंक्शन में तो ये बहुत अच्छा लगता है सजाने से। वैसे आप बर्थडे पार्टी वगैरह में भी इसे सजा सकते हैं बना के। फ्रेंड, जैसे कि हमारा चैनल का नाम है हरीन का हुनर, तो हुनर में सब कुछ आता है, सिर्फ खाना बनाने का ही रेसिपी अपलोड करना ही नहीं आता है। तो हमने सोचा ये हम आपके साथ शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड, हम सीखते हैं कि कैसे बनाते हैं पेपर फ्लावर्स। ओके, देखिए फ्रेंड, ये है आर्ट पेपर, कहीं कहीं से चार्ट पेपर कहते हैं, बट ये आर्ट पेपर है। आर्ट पेपर थोड़ा मोटा होता है और जो चार्ट पेपर होता है वो थोड़ा पतला होता है। देखिए फ्रेंड, ये कितना बड़ा साइज़ का है। तो हमें फ्लावर बनाने के लिए पहले तो आर्ट पेपर चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, देखिए ये पीसेस है, हमने कट कर लिया है अपने पेपर को। अब अपने हिसाब से, अपने साइज़ के हिसाब से करिए। ये हमें मीडियम साइज़ का फ्लावर बना रहे हैं, तो इसीलिए हम इतने बड़े पीस ले रहे हैं, इतना बड़ा पीस ले रहे हैं। ओके, अब हम इसे मोड़ेंगे। देखिए कैसे मोड़ना है इसे, इसे पतला पतला ही मोड़िए, ज़्यादा चौड़ा नहीं मोड़िए। जितने ज़्यादा फोल्ड आएंगे उतना ज़्यादा फ्लावर खूबसूरत होगा। तो आपको मोड़ते जाना है। बहुत इजी है, बहुत जल्दी बन जाता है, और हल्दी में इसे सजाने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है। मैं अपना घर सजाने के बाद आपको दिखाऊंगी इसे कि कैसा लग रहा है, हमने कैसे इसे सजाया है, तो उससे भी आपको आइडिया मिलेगा। आज मेरी कज़न का हल्दी है, तो हम इसीलिए हम इसे घर में बना के डेकोरेट कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड, ऐसे पेन से फ्लावर के से डिज़ाइन बना लीजिए। अगर आप नए हैं, आपको उतना आइडिया नहीं है, तो आप पेन से बनाइए, और ऐसे तो आपको बनाते बनाते पेन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही काट लेंगे। अब इसे कटिंग करेंगे। देखिए इसे बराबर करेंगे। देखिए ये कहाँ से बराबर हो रहा है, यहाँ निशान लगा लेंगे। और अब हम यहाँ पे स्टेपल करेंगे, स्टेपल करेंगे। ये देखिए स्टेपल हो गया। अब इसको हम ऐसे और इसको ऐसे जोड़ देंगे। देखिए थोड़ा सा बस इसी में मेहनत है, ऐसे करके जोड़ेंगे हम इसको। आप इसे फेविकॉल से भी चिपका सकते हैं, पर मुझे थोड़ा जल्दी करना है इसलिए मैं स्टेपल ही कर रही हूँ। अब अगर आपके पास टाइम है तो आराम से आप फेविकॉल से चिपकाइए। हमारे घर में और भी काम है, डेकोरेशन भी करना है, इसीलिए मैं स्टेपल कर रही हूँ ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे चैनल के वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। देखिए ये हो गया फ्लावर, कैसे चिपका दीजिए। अब हम इसमें ग्लिटर पेपर जो आता है, तो हम ग्लिटर पेपर यहाँ पर बीच में राउंड में लगाएँगे काट के। मैं आप देखिए फ्रेंड्स, इस तरह का एक ग्लिटर पेपर चाहिए आपको। देखिए ये मोटा होता है, इस तरह हमने इसे राउंड शेप में काट लिया है। ये देखिए, अब हम इसे फेविकॉल से चिपका लेंगे। देखिए इसे लगा लेंगे। अब हमारा बन गया फ्लावर, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये बनके, कितना अच्छा लग रहा है। फ्रेंड देखिए फ्रेंड्स, हमने जो पेपर फ्लावर बनाया था उससे अब हम अपना घर डेकोरेट किए हैं। मेरी कज़न का आज हल्दी है, इसीलिए हमने घर को अपना डेकोरेट किया है। अपने हाथ से ही सारे चीज़ें बनाई हैं हमने, सब कुछ अपने हाथों से बनाया है। हमने किसी टेंट वाले को या किसी डेकोरेशन वाले को बुलाया नहीं था। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने घर को कैसे डेकोरेट किया है, आप इससे आइडिया ले सकते हैं। अभी थोड़ा बाकी है, हमने थोड़ा बलून अभी कम लगाया है, अभी हम और भी बलून्स लगाएंगे। देखिए
और फ्लावर्स भी और लगाना है। हमने इतना डेकोरेट किया तो हमने सोचा हम वीडियो बना ले, क्योंकि फिर बाद में और भी ज़्यादा काम है और भीड़ हो जाएगा, लोग आने लगेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा वीडियो बनाए। ये देखिए, ये कैनोपी हमने घर पे ही बनाया है। ये पर्दे वर्दे सारे हम मार्केट से ख़रीद के लाए थे, फ्लावर्स भी, और घर पर हमने खुद बनाया है। तो इसका पूरा फ़ोटो मैं आपके साथ शेयर करूँगी फ्रेंड। ये देखिए, हम यहाँ पे स्टेज बनाएंगे बैठने के लिए ब्राइड को। ये हम आपके साथ बाद में शेयर करेंगे डेकोरेशन में, पहले आपके साथ शेयर कर ले रही हूँ। देखिए लाइट बन करके ये कितना खूबसूरत लग रहा है। देखिए फ्रेंड, शादी का सीज़न है, आप इससे आइडिया ले सकते हैं। इस तरह थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल जाता है तो हम घर पे अपने अच्छा सजा सकते हैं सब मिलके, क्योंकि शादी में तो बहुत सारे लोग आते हैं तो सब मिलके घर को डेकोरेट कर सकते हैं हम। ये देखिए लाइट कितना अच्छा लग रहा है। देखिए फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको हमारे डेकोरेशन का आइडिया, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा ये डेकोरेशन का आइडिया। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें। हम बहुत मेहनत से वीडियोस बनाते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं, तो आपकी कमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे वीडियो पर आप कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव सबके साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।